Hello friends, welcome to Prerna's Indori Kitchen. Today we are preparing dum aloo, jo dikhne mein bahut hi yummy hai aur khane mein to aur bhi zyada tasty hai. Chaliye ab hum banate hain dum aloo. Uske liye maine liye hain small size potato. Mujhe inhe ek whistle tak boil karna hai, unhe peel karna hai. ईजिली पिल नहीं होंगे, हमें नाइफ का हेल्प लेना होगा. ये देखिए इस तरीके से पोटैटो हो जाएंगे हमारे. फिर हम इन्हें पोक कर लेंगे, थोड़ा छेद कर लेंगे हम इन्हें फॉक की हेल्प से, और फिर इन्हें हम डीप फ्राई कर लेंगे. ब्राउन होने तक हमें इन्हें तलना है ताकि जब ये ग्रेवी में जाए तो इनका टेस्ट और बढ़ जाए. ऐसे इस तरीके से पलटते हुए हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है. ये देखिए हमारे पोटैटोज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं. अब हम इन्हें एक प्लेट में अलग निकाल लेंगे. ये देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, ब्राउन कलर आना चाहिए, और ये अंदर से भी पक गए होंगे. अब हम लेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल एक कढ़ाई में. उसमें मैंने लिया है 2 क्लोव्स, 2 काली मिर्च और 1 स्मॉल पीस ऑफ सिनेमन. ये मैंने रफली चॉप्ड ऑनियंस डाले हैं इसमें. 2 ग्रीन चिलीज ली है. अराउंड 1 कप मैंने ऑनियन डाला है. अब मैं डालूंगी 3 चॉप्ड चुकंदर बीटरूट. इससे कलर बहुत अच्छा आएगा हमारी ग्रेवी में. और मैं एक स्मॉल पीस डाल रही हूँ जिंजर का. फिर हम मसाले डालेंगे इसमें. उसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून ऑफ सौंफ, 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, 2 टमाटोज, 3-4 गार्लिक क्लोव्स. इन सबको हम सौते होने देंगे प्रॉपरली. फिर हम एक मिक्सर में इसे ग्राइंड कर लेंगे, प्रॉपर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे फॉर ग्रेवी. ये देखिए इस तरीके से टमाटर पानी छोड़ देगा और नरम हो जाएगा. अभी इसे ठंडा करने के बाद हमें ग्राइंडर में पेस्ट बनाना है इसका. अब हम बनाएंगे दही का मिक्सचर. उसके लिए हम लेंगे 4 टीस्पून ऑफ कर्ड दही. उसमें मैंने डाला है टर्मरिक, हल्दी, धनिया, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला. इन सबको प्रॉपर हम मिक्स करके मिक्सचर बनाकर एक साइड में रख देंगे. ये हम ग्रेवी के लिए यूज़ करेंगे. ऑयल में हम डालेंगे जीरा, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक, 2 स्मॉल बेलीव्स, 1 रेड चिली, 1 कप ऑफ कैश्यू जो हाफ किए हुए हैं. फिर हमने जो ग्राइंड किया था पेस्ट वो डालेंगे हम इसमें. ये देखिए कितना रेडिश लग रहा है ये पेस्ट. पकने के बाद और भी यमी लगेगा ये. अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे हम और इन्हें 5 to 10 मिनट्स के लिए पकने देंगे. चलाते हुए हमें पकाना है, ये नीचे सरफेस पे चिपकना नहीं चाहिए. ये ऑयल छोड़ देगा, उसके बाद हम देखेंगे कंसिस्टेंसी. फिर हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा. मैंने 1 कप पानी इसमें यूज़ किया है. अब आपकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं. अब मैं इसमें जादुई चीज़ 1 टेबलस्पून ऑफ बटर डाल रही हूँ. इससे और ये रिच लुक आएगा हमारी ग्रेवी में. अब मैं इसमें हमने जो दही मिक्सचर है वो ऐड करूँगी जो हमने बना कर रखा है ऑलरेडी. इससे थोड़ा खट्टापन आ जाएगा और इसमें ये रिचर बन जाएगी हमारी ग्रेवी और ज़्यादा. इसे भी हम पकने देंगे प्रॉपरली. उसके बाद मैं थोड़ा पानी और ऐड कर रही हूँ. मैंने वही कहा है आप आपकी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग वाटर ले सकते हैं. इसे हम कवर करके और कुक करेंगे प्रॉपरली. 1 to 2 मिनट होने के बाद ये देखिए ग्रेवी हमारी इस तरीके से हो गई है. अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ कसूरी मेथी. जो हमने फ्राई किए थे पोटैटोज वो डाले हैं और कवर करके रखा है मैंने. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बचा है हमारा सॉल्ट इंग्रेडिएंट, वो हम ऐड करेंगे. वो तो हमारे किचन का जादू इंग्रेडिएंट है. ये देखिए हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है. अब मैं इसे
गार्निश करूंगी कोरिएंडर से। रिच यम्मी टेस्टी ग्रेवी रेडी हो गई है, फटाफट आप घर पे ट्राई करिए, नान रोटी पराठे के साथ खाइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी को खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ़ यू एंजॉय प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।